इग्लू पार्टी मतलब क्या था। मैंने कहा कि एक पार्टी के बारे में बाद में सोच, वो भी ढांचा था और उसी को कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर मैंने आज कहा है कि हमको पार्टी के बारे इतना नहीं, एक यूनिटी के बारे सोचना चाहिए। उसी का मतलब है कोयला जाति उग्र पार्टी। आज मैं बोल सकता हूँ कि 90-95% सक्सेसफुल हुआ है। जिस दिन IMPT विजय बाबू और पता करिए अभी ऑफिशियली नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, विजय बाबू आ जाए तो पॉलिटिकली तो 100% होता है, लेकिन अभी तक 95 हुआ है और वो 5% को भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहुत लीडर्स है, टिपरा मोथा में है, IPFT में है, छोटे छोटे पार्टीज में हैं, जो उनको लग रहा है कि अगर अलायंस हुआ तो मेरा सीट कहाँ जाएगा, मेरा सीट वहाँ जाएगा, इसको क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विनिंग टीम में अगर हमको थर्ड अंपायर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, या विनिंग टीम में मुझे सब्स्टिट्यूट फील्डर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, लूजिंग टीम का मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो हमको अपने बारे, अपना पर्सनल सीट, मेरा पर्सनल पोस्ट, इसके बारे ना सोचकर एक बार अपना तीव्रता के बारे सोचिए। अगर हम लोग जीते, हमने सफा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट किया तो हमारे लोग ही हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन अगर हम निजी स्वार्थ के लिए हमने एक गलत काम किया और अपने बारे ही सोचे और अपने दोहा के बारे, अपने सोसाइटी के बारे नहीं सोचे तो एक गलत मैसेज जाएगा और हमारे लोगों का विश्वास हमारे लीडरशिप के ऊपर से चला गया। इसी के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पहला बार आप अपना पोजीशन के बारे ना सोचकर देखिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। और पब्लिक को आज टिपरा नहीं, IPFT नहीं, INPT नहीं, TPF नहीं, उनको आज ढांचा चाहिए। लीडर्स को एक दो पोस्ट इधर उधर होगा लेकिन पब्लिक को ढांचा चाहिए और मैं वही प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ अपना बारे में। और विश्वबंधु में कितने तादाद में लोग आने की उम्मीद करते हैं? मैं होपफुल हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से लोग आएंगे, इट बी अ वेरी बिग रैली। और हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि एक ही मंच में सब लीडर्स जो कुमलोंग में भी थे और जो कुमलोंग में नहीं आए जिनको मैंने अपील किया है वो भी रहेंगे और अच्छा तरीके से। महाराज आपका जो आइडियोलॉजी में ढांचा बनाने का जो यूनिटी बन, अभी तक कितना सफल हुआ है और आगे तक जाके कितना सफल होने वाला है? देखिए हमारा जो आइडियोलॉजी है, ये बहुत लोगों ने बोला कि कोयला जाति उग्र पार्टी मतलब क्या था। मैंने कहा कि एक पार्टी के बारे में बाद में सोच, वो भी ढांचा था और उसी को कॉन्सेप्ट को मैं आगे लेकर मैंने आज कहा है कि हमको पार्टी के बारे इतना नहीं, एक यूनिटी के बारे सोचना चाहिए। उसी का मतलब है कोयला जाति उग्र पार्टी। आज मैं बोल सकता हूँ कि 90-95% सक्सेसफुल हुआ है। जिस दिन INPT विजय बाबू और पता करिए अभी ऑफिशियली नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, विजय बाबू आ जाए तो पॉलिटिकली तो 100% होता है, लेकिन अभी तक 95 हुआ है और वो 5% को भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, बहुत लीडर्स है, टिपरा मोथा में है, IPFT में है, छोटे छोटे पार्टीज में हैं, जो उनको लग रहा है कि अगर अलायंस हुआ तो मेरा सीट कहाँ जाएगा, मेरा सीट वहाँ जाएगा, इसको क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमको विनिंग टीम में अगर हमको थर्ड अंपायर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, या विनिंग टीम में मुझे सब्स्टिट्यूट फील्डर भी बनना पड़े नो प्रॉब्लम, लूजिंग टीम का मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता। तो हमको अपने बारे, अपना पर्सनल सीट, मेरा पर्सनल पोस्ट, इसके बारे ना सोचकर एक बार अपना तीव्रता के बारे सोचिए। अगर हम लोग जीते, हमने सफा क्लीन ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट किया तो हमारे लोग ही हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन अगर हम निजी स्वार्थ के लिए हमने एक गलत काम किया
और अपने बारे ही सोचे और अपने दोहा के बारे, अपने सोसाइटी के बारे नहीं सोचे, तो एक गलत मैसेज जाएगा और हमारे लोगों का विश्वास हमारे लीडरशिप के ऊपर से चला जाएगा। इसी के लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, पहला बार आप अपना पोजीशन के बारे ना सोचकर देखिए कि पब्लिक को क्या चाहिए। और पब्लिक को आज टिपरा नहीं, आईपीएफटी नहीं, आईएनपीटी नहीं, टीपीएफ नहीं, उनको आज ढांचा चाहिए। लीडर्स को एक दो पोस्ट इधर उधर होगा, लेकिन पब्लिक को ढांचा चाहिए और मैं वही प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, अपना बारे नहीं सोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम द एंट्री ऑफ सीनियर लीडर्स टू त्रिपुरा मोहना, मैं इनका स्वागत करता हूँ। सेकेंड चीज़ है कि आने वाले दिन में हम लोग दूसरे पार्टी से भी बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन में भी मैं होपफुल हूँ कि एक या दो पार्टी जो बहुत सीनियर पार्टीज हैं उनके साथ भी हमारा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप हो एंड वी कैन वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन। जो पार्टीज अलायंस के अंदर नहीं भी आए वो मोस्ट लाइकली हमारे संग अलायंस में आकर आने वाले एडीसी इलेक्शन में एक संग फाइट करेंगे। आज हमारा ये इन्होंने त्रिपुरा मोर्चा ज्वाइन किया है, इसका ये कोई मतलब नहीं है कि थंसा टूटा है। हमें रीजनल पार्टीज को एक पार्टी से दूसरे पार्टी करने के लिए बहुत सेंट्रल पार्टीज ये ट्राई कर रहे हैं। आज अगर हमने अपने सीनियर लीडर्स को जगा दिया है त्रिपुरा मोथा में, इसके लिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो होल्डिंग पैटर्न रहे त्रिपुरा सा का, कोई नेशनल पार्टीज में कोई भी लीडरशिप अब नेशनल पार्टीज में नहीं जाए और अपने रीजनल आंचलिक पार्टीज में ही रहे, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। 5 तारीख को दीवान बाजार में विश्रामगंज में त्रिपुरा मोथा एक रैली कर रहा है, पब्लिक गैदरिंग, हमने वहाँ में हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी को निमंत्रण किया है। वहाँ में हम होपफुल हैं कि और एक पार्टी हमें ज्वाइन करेगा। मैं मीडिया के थ्रू सबको बोलना चाहता हूँ कि 130 दीवान बाज़ार विश्रामगंज 5 तारीख ऑफ मार्च हमारा एक रैली होगा। उस रैली में मैं होपफुल हूँ कि सब लोग आएंगे। आईपीएफटी को मैंने ऑफिशियली आज मैं उनको निमंत्रण देने वाला हूँ, उसमें एनसी देवर्मा, मेवार जमतिया, उनके जो भी सीनियर लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, सबको मैंने निमंत्रण किया है। और हम लोग भी ये प्रोग्राम जैसे खुमलुंग में हुआ था वैसे ही हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आईपीएफटी की लीडरशिप से बात करूँगा और हम शॉर्टली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम लोग एक फंक्शनिंग करेंगे जहाँ में कोई हमारा इंटरेस्ट ओवरलैप ना हो और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्मूथली हमारे अलायंस को आगे ले जाएगा। आईपीएफटी भी अपने नॉमिनीज देंगे, हम भी अपने नॉमिनीज देंगे और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी अच्छे तरीके से अलायंस को चलाएगा। एनी क्वेश्चन आप? सर, खुमलुंग के जो पब्लिक गैदरिंग होता है आपने ऐलान किया था कि वहाँ पर जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में आप त्रिपुरा सरकार से बात नहीं करेंगी, हम टू टॉक विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आप लोग कब जा रहे हैं और कब इस नहीं, अगर वो लोग निमंत्रण देंगे तभी जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगरतला में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगरतला में बात करने से सिर्फ बात होता है आप इतना सीट लो, आप उतना सीट लो, कुछ चीज़ होता है जो आइडियोलॉजी में चला जाता है। मैंने बोला है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर को हमारे बारे सोचना चाहिए और वो हमें एक सोल्यूशन दे। मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट भी मैं थोड़े दिन में आप से मिलकर मैं दिखाऊंगा, मैंने तो आज ट्वीट भी कर दिया मेरा ग्रेटर त्रिपुरा का कॉन्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हमारा बात ठीक तरीके से सुने तो ये पॉसिबल है। हम इसको पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रगल तो है ही, लेकिन इसको कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और अगरतला में जो भी बात होता है वो सिर्फ पॉलिटिकल होता है, हम चाहते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो हमारे
जो प्रॉब्लम्स है उसको समझे और इसको एक वन टाइम सोल्यूशन करें। हमें वन टाइम सोल्यूशन चाहिए। ये कांस्टेंट जो हमेशा होता रहा है कि इलेक्शन में एक दूसरे के संग लड़ो तो उसके बाद बात करो, ये सब से नहीं होगा। हमको त्रिपुरा पूरा, वी वांट त्रिपुरा टू बी पीसफुल, और इट कैन ओनली बी पीसफुल इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू लिसन टू इट्स पीपल। वी आर ऑल्सो इंडियंस, वी ऑल्सो हैव अ व्यू, और हमारा व्यू आप सुनिए। अगर आपको पसंद आता तो ठीक है, नहीं आता तभी भी सुनिए। आप तो दूसरे लोग से भी बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में विश्वास करते हैं, तो अगर आप उनसे बात कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, तो हम तो हिंदुस्तान के लोग वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास करते हैं। अब हमारा बात सुनिए, यही बैठे हैं। विजय रामकल से कल ही मेरा मीटिंग हुआ, अभी एक घंटे पहले बात हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि विजय रामकल हमारे संग आएगा। पाताल कन्या का आज मीटिंग है कुंभ मेले में, मैं उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अभी बात करूँगा। और मैंने पाताल कन्या के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और मैं क्योंकि हम दोनों ही NRC में हमने केस फाइल किया है, दोनों ही CA को पोस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले से एक वर्किंग रिलेशनशिप है। पाताल कन्या का एक आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं आना चाहती, उसका वोट बैंक का एक सिद्धांत है, मैं समझता हूँ। लेकिन पाताल कन्या को मैंने अपील भी किया है, पर्सनली भी अपील किया, आपके थ्रू भी मैं अपील कर सकता हूँ। उन्होंने ही कहा था कि वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के देखना चाहते हैं। आज वो तो हुआ नहीं, लेकिन आज क्योंकि EDC में 80% तो हमारे इंडिजिनस लोग हैं, तो उसके खातिर अगर वोट वर्कआउट ना करके हमारे थानचा को सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहे। IPFT-র সঙ্গে জোটে কি কোনো ধোঁয়াশা রয়েছে? গতকালকে NCD বলছিল যে বিজেপির জন্য নাকি ওদের এখনো দরজা খোলা আছে এরকম। না, আমার সঙ্গে বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স হয়নি। IPFT বলছিল উনি আপনার IPFT-র সব কথা বলে, আমি IPFT-র আপনাদের জোট ঠিক আছে? আমার জোট একদম ঠিক আছে, আমার জোট একদম ঠিক। কালকে দেখা হয়েছে, আজকাল এক ঘন্টা পরে মেয়রের সঙ্গে দেখা হবে। আমার জোট একদম পারফেক্টলি ফাইন। অনেক অনেকজন চায় কি আমার জোট সাকসেসফুল হোক না। এই আমাদের থানচা হয়নি 70 সাল দিয়ে, এই লিগে তো আজকে আমার এই পরিস্থিতি আছে। হাম সিফ ইউনিটি চাহতে, উই ওয়ান্ট পজিটিভ মেসেজ টু গো টু দ্য পিপল। পজিটিভ মেসেজ হে কি হাম লোক সব এক হে, হাম লোক আপনা পার্সোনাল সিটস পজিশনস কে বারে নেই পরবাহ কর রহে, হাম লোক এক হোকর ইয়ে ইলেকশন লড়েঙ্গে। ইয়ে ভয়েস এক আওয়াজ সে দিল্লি যায়গা और दिल्ली हमको समझेगा। हमेशा वायलेंस लेकर करके बंदूक उठाकर दिल्ली आवाज़ पहुंचना ज़रूरी नहीं है। डेमोक्रेटिकली वे भी ये सबसे अच्छा है, और अगर डेमोक्रेटिकली हम लोग ने एक सब मैसेज भेजा दिल्ली को, तो दिल्ली भी सुनेगा हाँ क्यों क्या बात हो रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, कितने लोग और कहाँ से आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया?